कैथल जिला के सभी प्रेस क्लब के साथियों ने निशिकांत शर्मा जिला मीडिया प्रधान के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने राजेंद्र सनेही पत्रकार पर बिना किसी कसूर के FIR दर्ज करवाई है। उसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त महोदय कैथल को ज्ञापन सौंपा, पर्चा दर्ज करवा दिया, जो कि सरासर उनकी कट्टरशाही का प्रतीक है। उन्होंने अपनी बात न मानने का खमियाजा पत्रकार से इस तरह चुकाया कि उनके खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज करा दिया। साथियों, तमाम पत्रकार साथी, भले वो किसी अखबार से जुड़े हुए हों, किसी चैनल से जुड़े हुए हों, हम हर मजदूर और हर मजलूम की जिसको जरूरत होती है उसकी आवाज सत्ता तक, अफसरों तक पहुंचाते हैं। समाज को जागृत करने, एक मजलूम की आवाज उठाने के लिए जुटा रहता है। जब वो किसी की बात नहीं मानता, किसी राजनेता की बात नहीं मानता, तो कुरुक्षेत्र जैसा वाला हाल हो जाता है। उस मीडिया पर्सन ने, स्नेही ने सच्चाई दिखा दी तो सांसद महोदय ने, विधायक महोदय ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। क्या मीडिया का यही हाल होना है? जब तक हम सब मीडिया के लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मिलकर एक दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, इसी तरह से हमारा शोषण होता रहेगा। आज झूठ है इस बात की कि हम सभी जो कुरुक्षेत्र में घटना घटित हुई है उसके खिलाफ एक हों। पहले दिन कुरुक्षेत्र के लोग इकट्ठे थे, अब उनके साथ कैथल आ गया है। अगर ये झूठा पर्चा वापिस नहीं लिया गया तो पूरा हरियाणा के मीडिया कर्मी सब इस मामले में एक हो जाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है इसको वापस ले और आगे से ऐसी किसी कार्रवाई से गुरेज करे। तो इसीलिए आज का हमारा ज्ञापन हमने पूरे कैथल जिला के मीडिया पर्सन की ओर से सौंपा है और मांग रखी है। इंकलाब, पत्रकारिता, मैं